राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाएं, मतलब इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या है तो राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है। किसके बारे में? राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में जानना है कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जान ले राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्र की आय। संसार में जितने भी देश है, हर देश का अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। उस एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के या आय के जितने भी स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों से जो धनराशि प्राप्त होती है, जो आय की प्राप्ति होती है, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। लेकिन राष्ट्रीय आय को आप दो भागों में ये कर सकते हैं। एक सीधा होगा, एक तो होगा शुद्ध राष्ट्रीय आय, एक होगा सीधा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की आय। लेकिन राष्ट्रीय आय को हम दो रूपों में परिभाषित करेंगे। पहला शुद्ध राष्ट्रीय आय, एक राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का हमने परिभाषा क्या कहा कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों या सभी स्रोतों से जो धनराशि प्राप्त होता है, उसको सम्मिलित रूप से आप क्या कहोगे? राष्ट्रीय आय। लेकिन आप जहां से धनराशि प्राप्त करते हैं, आय अर्जित करते हैं, उस आय को अर्जित करने में आपको कुछ ना कुछ खर्च होता है, होता है या नहीं होता है? आय अर्जित करने में खर्च होता है, तो सारे खर्च को क्या कर दो? घटा दो। राष्ट्रीय आय में या राष्ट्रीय आय को अर्जित करने में जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, उस व्यय को घटा देने के बाद जो धनराशि रह जाता है, बच जाता है, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय आय के नाम से। अब ये जो हमने कहा राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणा, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणा को पढ़ने से पहले जान ले कि राष्ट्रीय आय के बारे में विचार सबसे पहले भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यह पारसी थे और एक कुशल उद्योगपति थे। इन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1867 ईस्वी में की गई थी और बताया था उस समय भारत के लोगों का वार्षिक आय मात्र 20 रुपया नहीं। दादा भाई नौरोजी के बाद राष्ट्रीय आय की गणना एक और व्यक्ति ने किया था, डॉक्टर भी के आर वी राव ने, याद है? ये किए थे 1925-30 के, मतलब पीसा के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के समय, और इन्होंने बताया था क्या रुपया? 32 रुपया बताया था। कितना बता दिया था? एक वर्ष में एक इंडियन एवरेज 32 रुपया कमाता था। हमारा देश आजाद हुआ, और हमारा देश आजाद कब हुआ तू बताएगा? तारीख सहित, तारीख बोलना है, बहुत मारेंगे। 2 दिन के बाद जलेबी खाने जाएगा विद्यालय में। 15 अगस्त में सौ अभिरंजन, इसका हिस्सा जलेबी तुम खाएगा उसमें, ठीक है ना? हाँ, तो
तो हमने कहा डॉक्टर आर के भी राव किया, उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, आजाद होता है। और 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने के लिए कमिटी का गठन किया था। उस कमिटी का नाम था राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था 1948 में। इस राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक सलाहकार थे, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1951 में। रिपोर्ट कब दिया? इस रिपोर्ट में कहा था कि 1948-49 के आंकड़ों के आधार पर भारत के लोगों का वार्षिक आय 246.90 रुपया और भारत का 286 करोड़ मात्र, जब रीगा चीनी में बल था उस समय ज्यादा इसका था, कम था, इससे ज्यादा था रीगा का। ये अभी याद नहीं है, प्राइवेट क्षेत्र की है ना, नहीं था। तो हमने कहा कि इतना बता दिया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज तो मेरे ख्याल से भारत का जो प्रति व्यक्ति आए हैं वह 50,000 से ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, गरीबी केवल सरकार के नजर में कागज के पन्ना पर रह गई है, रियल में गरीबी इंडिया में नहीं। हाँ, भारत की गरीबी तो संसार भारत देश में हो, 3,000 का जूता, 20,000 के मोबाइल ना, दूरा पर ग्लैमर गाड़ी लगी हो, हाँ बातचीत गलती मैंने तो, फिर भी कहते कि हम क्या है, गरीब है। सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए भारत के 90% लोग गरीब, 90 हम गलती बोलते हैं, 95% क्या पवन है, निर्मल तौर एक वो दिल्ली जानबूझ के दिखाता है, कोचिंग के बारे में वेल मेंटेन में रहता है, कभी सार में निकल के देखो इसको, इसका रुतबा नहीं चिन्हाएगा, ठीक बोला है वो। हमने कहा खैर बातें जो हो, ये बात आ गया। अब सवाल ही आता है तो राष्ट्रीय आय के संबंधित प्रमुख धारणा में कई बातें हैं। पहला धारणा मेरे पास आता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। तो पहले हम जानेंगे सकल घरेलू उत्पादन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल का मतलब होता है सब या संपूर्ण, सकल माने सब या घरेलू माने घर, उत्पादन माने खत्म निर्माण। देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, एक वित्तीय वर्ष याद रखेंगे, हमेशा मैं जो भी बात बोलूंगा वह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की घटना होगी, आप इसको मान के चलेंगे। और यह कब से चल रहा है, यहीं से चल रहा है दादा भाई, नौरोजी नहीं किया तो का छोटा है, हाँ 67 से चल रहा है। तो एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से, अच्छा एक वित्तीय वर्ष को लेखा वर्ष भी कहेंगे हम, एक वित्तीय वर्ष का होता हो या एक लेखा वर्ष का हो, तब देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर जितने भी वस्तु का उत्पादन होता है, जितने भी वस्तु का उत्पादन होता है उसी को सम्मिलित रूप से, मूल्य नहीं कहा हमने, कहा केवल वस्तु, उसको क्या कहेंगे, GDP, देश के घरेलू सीमा। लेकिन यहां एक प्रश्न होगा, और यहां प्रश्न होगा अमेरिका की एक कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही है, आपसे ही चलेगा बात, सबसे नहीं चलेगा,
अमेरिका की कंपनी भारत में कारोबार कर रही है तो उसके इनकम को भारत के जीडीपी में जोड़ेंगे कि जीएनपी में जोड़ेंगे? सीमा के अंदर है, वेरी गुड, कहां जोड़ेंगे? हाँ, इसमें जोड़ेंगे, जीडीपी में जोड़ेंगे। क्या तो इसमें विदेशी जो कंपनी है उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब सकल घरेलू उत्पादन क्या है जान गए, लेकिन यह एक और प्रश्न, एक ही से तीन को प्रश्न बनता है, एक ही से कितना प्रश्न बनता है, तीन। तो फिर एक पूछेगा निबल, इसी को कह सकते हैं शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन क्या है? नहीं, एनजीपी ना, नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनजीपी ना हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि निबल या शुद्ध क्या सकल घरेलू उत्पादन क्या है वही चीज थोड़ा सा जो ये करना है, मैं पहले बोल दिया, इस दोनों से ही लेके चल गया। कहता है कि आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वस्तु को निर्माण करने में कुछ खर्चा होता है कि नहीं? देश के भले ही भौगोलिक सीमा में अगर हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वस्तु को उत्पादन करने में हमारा कुछ खर्चा होता है कि बिना खर्चा कुछ हो जाता है? होता है, भोजन करने के लिए भी खर्चा लगता है, भोजन भले कोई फ्री में करा दे लेकिन बॉडी का जो पार्ट से खी आता है दांत होता है, हाथ से मिलाते हैं तो हाथों का इसके थोड़ा कमजोर होगा ना, होता सत्य होता है ना। हाँ, अब चम्मच से कहेंगे फिर चलाएंगे ना, दांत को चलाएंगे ना, उंगली ना बचा लेंगे आप, लेकिन दांत का यूज करेंगे तो कुछ तो खी आएगा जो दिखेगा आपको नहीं। तो प्रश्न ही आया कि शुद्ध घरेलू उत्पादन करने में, किसी वस्तु को निर्माण करने में जो खर्च आया उस खर्च को क्या कर दो, हटा दो, तो जो रह जाएगा ये हो गया। इसी पर एक और प्रश्न आएगा बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर हमने इसको क्या कहा, एन जीडीपी, गलत सही, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, मतलब इसको कहेंगे हम जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, ये क्या है जिसकी मैंने पूरा बात को इसमें लिख दी है, ये जो है ना बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी। तो क्या है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन? तो कहता है कि एक लेखा वर्ष में चाहे एक वित्तीय उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उस साधनों से जितने भी वस्तु या सेवा का हम निर्माण करते हैं, उन सबके कौन कीमत को, बाजार कीमत को। ये मार्कर बना, पेंसिल बना, पेन बना, कपड़ा बना, बना ना, सबका मार्केट वैल्यू होगा कि ना होगा, तो उसी के मार्केट वैल्यू को क्या कहेंगे आप, जीडीपी एट, क्या कहेंगे? भारी है, थोड़ा बहुत ही लगाना, हमने कहा कोई भारी नहीं है, बस देखते होंगे आप लोग बाप रे बड़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला कितना होगा, तो मुझे भी नहीं करता। सबसे आसान है कि देश की घरेलू सीमा में उत्पादन के सभी साधनों से जितने भी वस्तु या सेवा का क्या होता है, उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे, उस वस्तु का कोई ना कोई बाजार में कीमत होगा, उस सबके बाजार की कीमत को क्या कर दो, जोड़ दो, उसको क्या कहेंगे हम, जीडीपी एट, मतलब बाजार कीमत पर। अब कहता है राष्ट्रीय उत्पादन की बात करने, तो घरेलू हो गया, अब एक नया आ गया मेरे पास राष्ट्रीय उत्पादन या सकल, जोड़ दीजिए तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल माने सब, सकल माने संपूर्ण, लेकिन किसी ने कि सकल पदार्थ यही जग माही, नहीं,
इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ, लेकिन उसको उपयोग कौन करेगा? जिनके पास क्या होगा? बुद्धि होगा, विवेक होगा। जिसके पास नहीं होगा कुछ उपयोग कर पाएगा? बाकी लगी सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी कहेगी हम मरे, सरस्वती जी कहेगी हम मरे, टक्कर बड़ा जोर का हो गया। लक्ष्मी जी कहेगी हम इतने बड़े हैं कि जिसको चाहेंगे हम क्या करेंगे, अपने पीछे झुका देंगे। सरस्वती कही कि जहां मैं रहूंगी वहां झुकने वाला वो बंदा झुकेगा। सरस्वती माता जैसे भक्ति के दिमाग से क्या हो गई, मान लो आउट हो गए। लक्ष्मी माता गोड़ हाथ रखे घर में बैठ गए, धान रोपा सोना निकलने लगा, धान रोपा तो क्या होने लगा सोना, घर था ईंट के बन गया सोना का ईंट, बांस का था ये बन गया, अगर दिमाग तो था नहीं, अरे सबके धान दूसरे हमारे धान दूसरे कांड फेंक दिया नहीं देखा कि सबके घर बांस का, मेरे घर में पीला पीला क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ी जरूर है, हटाओ इसको, क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रहा था, सोना है कि गति है पदे नहीं चल रहा था। तो प्रश्न ही आया कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, हमने घरेलू में क्या कहा, घरे के अंदर, घरेलू मतलब क्या होता है, लेकिन सकल कहता एक देश में उत्पादन के जितने भी साधन है उनसे जितने भी वस्तु या सेवा का निर्माण होता है उसके बाजार मूल्य, उसके मूल्य को, ये हमने कहा वस्तु उत्पादन पर छोड़ दिया है, कीमत नहीं जोड़ा था मैंने, लेकिन यहां क्या कहा मैंने कि एक वित्तीय वर्ष में या एक लेखा वर्ष में देश, किसी देश में उत्पादन के जितने भी साधन है, उत्पादन के उन सभी साधनों से जितने भी वस्तु या सेवा का निर्माण होता है उसकी कीमत तो होगा बाजार कीमत, उसके कीमत को हम या उसके अंतिम मूल्य को हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन। लेकिन याद रखिएगा इसमें हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं, क्योंकि भारत का अगर कोई उद्योगपति अमेरिका में, चीन में, श्रीलंका में, रशिया में कारोबार किया है तो उससे जो इनकम होगी उसकी गणना हम जीडीपी में करेंगे या जीएनपी में करेंगे? तू तो घर के घर से बिहार ना हो गया, उसकी गणना मैं कहां करूंगा? तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के जितने भी साधन है उन सभी साधनों से जितने ही वस्तु या सेवा का निर्माण होता है उसके कीमत को क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब जीएनपी। इसमें विदेश भारत का जो व्यापारी विदेश में कारोबार करता है उसकी आमदनी को भी किया जाता है। गलत से अब इसमें एक और आ जाएगा क्या, शुद्ध या निवल, क्या राष्ट्रीय उत्पादन मतलब क्या कहोगे आप? एन एन नहीं या इसी को एन जी एन पी, लेकिन इसको एन एन पी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो तो जी भी चलाएगा, एन एन पी क्या होगा? तो बस परिभाषा यहीं से ले लीजिए आप, जितने भी हम वस्तु या सेवा का एक वित्तीय वर्ष में निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसको बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। मशीन चलता है तो मशीन का पार्ट पुर्जा किया जाता है कि नहीं? जिस घर में आप यूज करते हैं उसका भी पेंट पॉलिश थोड़ा सा गड़बड़ होता है। एक वित्तीय वर्ष में या एक लेखा वर्ष में हम उत्पादन के जिन साधनों से जिन वस्तु का निर्माण करते हैं उस वस्तु को निर्माण करने में क्या होता है? कुछ खर्च होता है। उन खर्च को घटा देने के बाद जो राशि बच जाती है उसे क्या कहेंगे हम? एनएनपी या सकल सॉरी शुद्ध राष्ट्रीय। इसी में एक और आ जाएगा क्या, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। गलत किसे? एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन साधनों से जितने भी
वस्तु का निर्माण करते हैं उस वस्तु के बाजार मूल्य को हम बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो कहने के लिए एक बात लेकिन निकला कहे गो छ को परिभाषा निकला तीन गो यहां तीन गो यहां। अब एक यहां प्रश्न आता है इसमें एक और जुड़ेगा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या आता है साधन लागत पर सकल घरेलू भी होगा सकल सकल पहले राष्ट्रीय कर लेते हैं उत्पादन इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे जीएनपी एट एफपी जी एनपी एट एफपी सॉरी एफसी फिक्स कॉस्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स कॉस्ट मतलब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अपने साधन लागत पर जितना भी धन अर्जित किया जाता है देश के सामान्य निवासियों के द्वारा निवासी देशों में काम करता विदेशों में काम करता है निवासी का मतलब नागरिक तक एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा या निवासियों के द्वारा नहीं अपने साधनों से जितना धन अर्जित किया चाहे वो निवासी इंडिया में काम करे चाहे चाहे विदेश में काम करे तो उनके योग को क्या कहोगे आप गलत सही मेन यहाँ कीमत होगा तब और इसी का एक बात यहां आ जाएगा क्या तो साधन लागत पर साधन लागत पर क्या सकल घरेलू उत्पादन इसका क्या होगा जी डी पी एट एफ सी जी डी पी एट कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा नहीं अपने साधनों से जितना भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसी को क्या कहेंगे हम एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अपने साधनों से जितने भी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है उसी को हम कहेंगे साधन लागत पर सकल कोई दिक्कत तो कई को निकला आठ को हो गया इसी को अवधारणा में हो गया। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवधारणा को लिखे तो आठों का नाम लिख दीजिए यही अवधारणा इसकी। लेकिन फिर एक अगला आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि सर यहां जो पढ़ाया हो दो बात है एक बात हमने पढ़ाया जीडीपी और एक पढ़ाया सॉरी जीएनपी दो में अंतर कीजिए तो सब अंतर हो जाएगा। जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है तो पहला अंतर यह होगा कि जीडीपी में केवल देश के भौगोलिक सीमा में जो वस्तु बनता है जो सेवा तैयार होता है उसको जोड़ा जाता है और जीएनपी में देश के बाहर वाला नहीं। दूसरा अंतर यह है कि जीडीपी में केवल वस्तु की गणना होती है और जीएनपी में वस्तु के मूल्य की गणना होती है। गलत सही और भी कही लेकिन तो आसान अंतर आपको दिया परिभाषा। अब एक प्रश्न आया तो निजी आय क्या है एक और प्रश्न आया निजी आय क्या है प्राइवेट इनकम पीआई नहीं क्या कह दोगे आप पीआई प्राइवेट इनकम निजी आय क्या है तो कहता है निजी लोग जिस समय निजी आदमी सरकारी आदमी हूं आप लोग भी अभी निजी आदमी आप कहीं काम करते हैं कि नहीं करते अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं आपके भी आमदनी के कई स्रोत हैं लेकिन निजी व्यक्ति के पास भी इनकम के कई स्रोत होते हैं उन सभी स्रोतों से जितना धनराशि प्राप्त होगा उसे आप क्या कहोगे गलत की सही निजी व्यक्ति के द्वारा अपने उत्पादन के विभिन्न स्रोतों से उत्पादन के विभिन्न साधनों से जितने धनराशि की प्राप्ति की जाती है उसे हम क्या कहोगे। अच्छा निजी आय को हम व्यक्तिगत आय कह सकते हैं गलत है सही नहीं कह सकते कह सकते
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। निधि आय मतलब एक ही आदमी होता है, रहता व्यक्तिगत एक अलग अलग आता है, व्यक्तिगत आय इसी का नाम है व्यक्ति का आय, व्यक्ति। तो व्यक्तिगत आय क्या है? तो कहता है किसी देश के, देश में एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति या किसी परिवार के द्वारा, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा या परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा जितनी धनराशि अर्न की जाती है उसे व्यक्तिगत आय। निधि आय में केवल एक व्यक्ति का, इसे पूरे परिवार की आय, जो दोनों एक, एक व्यक्ति एक वर्ष में जितना धन अर्जित करता है उसको हम निधि आय कहते हैं, तो उसका खास अपना हो गया। लेकिन पूरे परिवार, परिवार में पांच लोग हैं, पांचों लोग कमा रहा है और एक वित्तीय वर्ष में जितना धन अर्जित इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया, कमा लिया, उन सबको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत आय। अब फिर प्रश्न होगा, पूछा गया प्रश्न है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, पूछा गया प्रश्न है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मतलब क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति, आप ही लोगों को नौकरी हो जाएगा, अभी तो वादा करते कि पापा जी आकाश तो कई बार कह दिया सर जितना भी कमाएंगे पूरा पैसा एक बार 20,000 कमाएंगे, पापा जी कहते 20,000 खर्चा उन्हीं से मांगे, गलत किस है, कहा है सही बात है, पूरा भरोसा है नहीं, तुम जितना कमाओगे ना मैं मानता हूं उसका 70% पैसा बाबूजी का, कुछ तो अपनों खर्चा के रख लेगा, तो मैं बोलो अलग बात क्या हो गया, तो पहले कहना चाहिए ना कि सर अपन खर्चा रख लेंगे, रह गया ना बात, पलट गया ना वही वादा से। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, जब कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में जितना रुपया कमाता है उसमें से कुछ रुपया अपना खर्चा के लिए, निजी खर्चा के लिए क्या कर लेता है, रख लेता है, और बाकी पैसा जहां लगा नौकर करता है। तो जो पैसा अपने पॉकेट में रख लिया, तो अपने पॉकेट में रखा तो खुद यूज करेगा क्या रंजन, क्या कहोगे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, माने आय का वह हिस्सा जो तुम खुद निजी खर्च के लिए क्या कर लेते हो, रख लेते हो, उसे क्या कहते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के नाम से। और भी आगे चले है तो मूल में रियल में इतना ही, राष्ट्रीय आय वाला तो क्या कर लिए जान लिए हैं। हाँ, अब इसी का है सूत्र सब दिया हुआ है, हर चीज का क्या है, हमने डिटेल में क्या बता दिया आपको, डिफिनेशन बता दिया, परिभाषा बता दिया, इसमें सब का क्या है सूत्र दिया। सूत्र की अगर हम बात कर लें फॉर्मूला की बात कर ले, जैसे आपसे कहा जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी की बात करता है इक्वल टू व्हाट, एक नंबर का प्रॉन्स वस्तुनिष्ठ या बहुबैक बिल प्रश्न में डाल सकता है। तो कहता है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। उन्होंने कहा कि जीडीपी में घरेलू बुला के जोड़ते हैं और जीएनपी में भाई, तो जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दो बस, तो वही कहा मैं जो पहले परिभाषा में कहा, इसको सीधा शॉर्टकट में डाल दिया।
परिभाषा में इसको लिख दोगे तो नंबर देना है, लेकिन यहाँ तो बिहार है ना, पढ़ता नहीं कितना दूर में लिख ले हो। लास्ट में सिखाऊंगा, अच्छा नंबर लाना है तो दिखता वही है जो क्या होता है, दिखता है नहीं, ठेला पर सीधे सेब ला के पलट दो, 20 रुपए किलो कोई नहीं लेगा, और उसको बढ़िया से सजा दो, पोंछ पाछ के कहो 50 रुपए किलो जल्द बिक जाएगा। तो अंदर कितना सुंदर से आम को, भिंडी को या हर साग सब्जी को सजा के रखता है। बिकने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा क्या। अब दूसरा कहता है एन एन पी एट एम पी बराबर व्हाट, नेट नेशनल प्रोडक्ट बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब क्या होगा। तो जीएनपी इसका होगा जीएनपी एट एमपी माइनस मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन, शुद्ध बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना करना होगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास हमने कहा ना, खर्चा वस्तु बनाने में जो खर्चा हुआ उसको हटा दो तो हमको शुद्ध निकलेगा। बात तो ही आ रहा है, फॉर्मूला कोई नया चीज नहीं, सीधा कहा कि शुद्ध बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना करना है, राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करना है। तो राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो बाजार कीमत पर, उसमें से मूल्य ह्रास को क्या करो आप साइड कर दो, मतलब जो खर्चा लगा आपका उसे क्या कर दो हटा दो, ये निकल जाएगा। एक और कहता है कई है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी बराबर हुआ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पादन, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन बराबर क्या होगा। साधन लागत पर जीडीपी एट एफसी मतलब ही ना हो गया, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन बराबर क्या होगा। तो एनडीपी क्या होगा, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट प्लस मूल्य ह्रास, साधन लागत में जोड़ना पड़ेगा ना, कि जो मूल्य ह्रास जोड़िएगा तो ना होगा, कोई इतना खर्चा हुआ है, घटाइएगा तो शुद्ध हो गया, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा शुद्ध, लेकिन तो दामे घट जाएगा। जैसे कपड़ा का दुकानदार जो दिल्ली से कोलकाता से मुंबई से कपड़ा खरीदने जाता है, कपड़ा खरीदने जाता है तो टिकट कटाने से लेकर रेलवे का टिकट से लेकर होटल में नाश्ता करने तक बाथरूम में बाथरूम वालों का पैसा दिया सब जोड़ लेता है। मान लिया अगर उसने कपड़ा खरीदा 2 लाख में, आने जाने खाते पीते खर्चा हो गया 20,000, सामान का दाम कितना जोड़ देगा 2 लाख। अब सुपर बंटवारा करेगा कि इतने सामान लाने में 2,20,000 हमको खर्चा हुआ, तो 2,20,000 सब छाट देगा और ऊपर से 20% दुकान में स्टाफ है बिजली बत्ती सब है खर्चा जोड़ के तब चलेगा ना, गलत कि सही, नहीं जोड़ोगे तो तुम्हारे को दुकान क्या होगा, घाटा में जाएगा। तो जो भी मैंने परिभाषा दिया ऐसे सूत्र के रूप में भी आपको याद रखना पड़ेगा, सारा पुस्तक में दिया गया, ये रहने दीजिए।